यार यूएसए और इंग्लैंड का मैच होगा, बारबाडोस में मैच होगा। तो ये मैच पहले हम इस मैच की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। देखो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, स्मॉल लीग के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से हैं, अच्छे सीवीसी कौन से हैं, जीएल पिक्स भी दूंगा और ये मैच जीएल के लिए भी काफ़ी सी है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो देखो एक बार हम मैच का ओवरऑल व्यू समझ लेते हैं। इंग्लैंड को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनको सिर्फ जीतना ही नहीं है, इनको हाई रन रेट के साथ जीतना है। हाई रन रेट क्यों? अगर देखो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मैच होगा, अगर वेस्ट इंडीज़ ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया ना, तो वेस्ट इंडीज़ की रन रेट काफ़ी सही है और साउथ अफ्रीका की भी रन रेट काफ़ी अच्छी है। तो अगर इंग्लैंड ये मैच जीत भी जाती है पर उनकी रन रेट अच्छी नहीं होती, तो अगर वेस्ट इंडीज़ ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, तब भी इंग्लैंड बाहर हो जाएगी सेमीफाइनल के स्पॉट से, ठीक है। तो ये मैच इंग्लैंड को अच्छी रन रेट से जीतना है। तो हम इंग्लैंड प्लेयर्स का एक बार माइंड समझ लेते हैं। अगर इंग्लैंड बॉलिंग करा रही होगी ना, तो वो कोशिश करेगी फटाफट आउट करो इनको, 100 के अंदर अंदर आउट करो, 5-6 ओवर में पूरा टारगेट चेस कर दो और अपनी रन रेट को बेटर कर लो। और इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही होगी, तो इंग्लैंड का होगा भाई हमें 200-250 बनाने हैं और इनको 100-120 पे रोक देना है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों जिसे बोलते हैं ना सिचुएशंस का आपको अच्छे से पर्सपेक्टिव समझा दिया है। तो चलिए अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा, ठीक है, यूएसए के बारे में भी और इंग्लैंड के बारे में भी, ठीक है। तो हम यूएसए से चालू करते हैं। देखो यूएसए से ओपनिंग अभी कर रहा है स्टीवन टेलर और एंड्रियास गाउस। पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ इन्होंने शेन जहांगीर के साथ ओपनिंग करवाई थी टेलर को, उससे पहले मोनांक पटेल करता था। तो अगर मोनांक पटेल वापिस आ जाता है तो ओपनर वही होगा, फिर शेन जहांगीर आउट हो जाएगा। पर अगर उनकी सेम स्पॉट रहती है तो देखो स्टीवन टेलर तो कंपलसरी है, वो ओपनिंग करेगा। पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंग्लैंड के अंदर है ना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इंग्लैंड के 3 से 4 विकेट गिरेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बेस्ट्रो, ब्रूक, लिविंगस्टोन ये पहले आएंगे, मोइन अली और सैम करन इनकी जिसे बोलते हैं बैटिंग थोड़ी लेट आएगी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इंग्लैंड के जो बैटर है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा राइट हैंडर होंगे जब यूएसए बॉलिंग डाल रही होगी। तो फिर स्टीवन टेलर बॉलिंग कराएगा नहीं कराएगा, और पिछले मैच के अंदर तो मिलिंद कुमार ने बॉलिंग कराई थी, ठीक है, ऑफ स्पिन। मैं यार डर गया था, मेरे को लगा यार ये क्या हो रहा है, स्टीवन टेलर काफ़ी सही बॉलर है यार, पर मिलिंद कुमार बॉल डालने आ गया उसकी जगह पर। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि स्टीवन टेलर अभी बॉलिंग नहीं करा रहा है, तो हम स्टीवन टेलर को प्रॉपर बैटर कंसीडर करेंगे, ठीक है, इस मैच के अंदर। तो देखो स्टीवन टेलर एज अ बैटर, देखो उसके सामने जोफ्रा आर्चर होगा, मार्क वुड होगा, अगर थोड़ा लेट खेल गया स्टीवन टेलर, जैसे बोलता ना थोड़ा सा खेल गया तो मार्क वुड आ जाएगा। उसके बाद आदिल राशिद, स्टीवन टेलर फंसता बहुत बुरा है लेग स्पिन पे, और फिर सैम करन। तो स्टीवन टेलर के सामने यार जो वो बैटिंग करेगा ना काफ़ी सही सही बॉलर होंगे, तो मैं उसे एज अ बैटिंग के जिसे बोलता ना परस्पेक्टिव से मैं उसे अपनी स्मॉल लीग की टीम में तो रखने नहीं वाला। मेरे को पता है क्या लग रहा है, जो जोफ्रा आर्चर है ना, देखो स्टीवन टेलर को जो हाई पेस आता है ना तो थोड़ा फंस जाता है, ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया, स्टीवन टेलर जब बैटिंग करता है ना तब। तो अगर जोफ्रा आर्चर बॉल डाल रहा है पावर प्ले में, पहला दूसरा ओवर जोफ्रा आर्चर का होगा, और अगर उसकी एक भी बॉल गुड लेंथ से इनस्विंग हो गई तो इसके पैड पे लग जाएगी, LBW या बोल्ड हो जाएगा, या फिर जोफ्रा आर्चर इसे शॉर्ट बॉल मारेगा, अगर आउट नहीं हो रहा होगा ना शॉर्ट बॉल ट्राई करेगा तो वहाँ पे इसे बाउंसर पे फंसा लेगा। तो मैं स्टीवन टेलर को इससे मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में रखूँगा नहीं। और मैं आपको एक बार पिच के बारे में समझा देता हूँ। देखो जो पिच है ना वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जब ये मैच खेला जाएगा तब एक्चुअल में पिच कौन सी वाली इस्तेमाल होगी, क्या वो बैटिंग विकेट इस्तेमाल होगी जो पिछली बार हुई थी, या बॉलिंग विकेट इस्तेमाल होगी। तो अगर बॉलिंग विकेट होगी तो स्टीवन टेलर लेने का कोई मतलब है नहीं, और अगर बैटिंग विकेट होगी ना तो भी स्टीवन टेलर से बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है यार। स्टीवन टेलर थोड़ा रिस्की ऑप्शन है, अगर स्टीवन टेलर मान लो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा होता ना तो भी मैं बोल देता चलो यार इसको ट्राई कर लेना, क्योंकि तब तक बॉल क्या पता स्विंग होना कम हो जाए, थोड़ी मूवमेंट कम हो। पर यार पावर प्ले के अंदर बहुत मूवमेंट होगी बॉल के अंदर, और स्पेशली जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड ये सब होंगे, इतनी पेस पे इनको खेलना तो मुझे थोड़ा बहुत जिसे बोलते हैं ना हिचकिच हो रही है कि यार खेलेगा कैसे, ठीक है। इसलिए मैं स्टीवन टेलर को अपनी स्मॉल लीग की टीम में रखूंगा नहीं। आपको लगता है आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लगता है ना, वैसे मेरा जीएल पिक भी स्टीवन टेलर नहीं होगा, ठीक है। स्टीवन टेलर के बाद बैटिंग आएगी इसकी, मोनांक पटेल खेल जाता तो मोनांक पटेल की। मोनांक पटेल के बारे में आपको जो जो नए उनको फिर से बता देता हूँ, मोनांक पटेल बहुत अच्छा प्लेयर है यार, कॉम्पैक्ट जिसे बोलते हैं ना कि जो आराम आराम से खेलता है, जिसके पास सारे शॉट होते हैं, हवा में मार देता है, कभी टाइमिंग से नीचे मारता है, ऑफ ड्राइव इसकी बड़ी शानदार है, कवर ड्राइव भी अच्छी मारता है, तो प्रॉपर प्लेयर है। इनकी टीम में दो अच्छे प्लेयर है टाइमिंग वाले, जिसे हम प्रॉपर टाइमिंग वाले, एक तो मोनांक पटेल और एक नीतीश कुमार। तो अगर मोनांक पटेल नहीं खेलता है तो नीतीश कुमार फिर से टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा, तो नीतीश कुमार आपके लिए स्मॉल लीग का एक ट्रंप हो सकता है, क्योंकि देखो इंडियन बैट्समैन है, सामने मोइन अली और ये आदिल राशिद होंगे, तो वहाँ पर इसको स्पिन से इतनी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, पर ये हो सकता है मार्क वुड की पेस पर फंस जाए। तो अगर आपको रिस्क लेना है स्मॉल लीग के अंदर तो आप ट्राई कर सकते हो नीतीश कुमार को, प्लेयर अच्छा है
पर अगर आपको सेफ जाना है आपको, क्योंकि यार देखो नीतीश कुमार अगर आप ले रहे हो ना और अगर ये फेल हो गया तो आपकी सब लीग्स में आप हारने वाले हो, स्मॉल लीग्स वाली स्पेशली, ठीक है। पर आप इसे जेल में ट्राई कर सकते हो। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इसने स्टार्ट भी अच्छी ली थी पर यार आउट हो गया। यार स्मॉल लीग में तो उन्हीं प्लेयर्स को लेना जिन पर एटलीस्ट आपको भरोसा हो यार कि अगर ये फ्लॉप भी हो गए ना तो भी मेरा इतना नुकसान नहीं होने वाला जितना अगर मैंने किसी ऐसे प्लेयर को ले लिया जिसका सिलेक्शन बहुत कम है और जिसकी 50-50 चांस है। तो अगर वो नहीं चला तो यार आप सारे हार जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, स्मॉल लीग टीम बड़े ध्यान से बनाना, हम जीएल की टीम नहीं बना रहे अभी, ठीक है। जीएल की टीम आखिरी में बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ स्मॉल लीग के बारे में। तो स्मॉल लीग में हमें उन्हीं प्लेयर्स को लेना, वही रिस्क लेना होता है जो अगर काम कर जाए तो बहुत बढ़िया, पर अगर ना भी करे तो भी हमारा इतना नुकसान ना हो, ठीक है। समझ गया ना क्या बोलना चाहता हूँ। नीतीश कुमार ये सब जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है ना, इनको इंग्लैंड के बॉलर थोड़ा ट्रबल दे सकते हैं। अब एक प्लेयर ऐसा है यूएसए में एंड्रियास गाउस, वो काफ़ी सही है, ठीक है। वो बहुत अच्छे से मतलब टैकल कर सकते हैं 140 की बॉल को। इंग्लैंड हमने पाकिस्तान के खिलाफ देखा, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ देखा, फिर इंडिया के खिलाफ तो यार पिच ऐसी थी तो वो छक्का मार देता ऋषभदीप सिंह को। पर एंड्रियास गाउस काफ़ी लीग्स खेलता तो उसको एक्सपीरियंस होगा 140 प्लस बॉलों का, उसको मज़ा भी आना चाहिए इंग्लैंड को खेलते हुए। तो मैं एंड्रियास गाउस को अपनी टीम में लूँगा, क्योंकि देखो अगर मोनांक पटेल नहीं खेल रहा तो ये विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे देगा, और अगर मोनांक पटेल खेल भी रहा होगा ना तभी इसकी बैटिंग तो टॉप ऑर्डर में आएगी ना, तो बैटिंग से पॉइंट दे देगा। तो मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पिक लग रहा है मेरे को एंड्रियास गाउस। और एंड्रियास गाउस की आपको एक स्पेशलिटी बता देता हूँ, स्पेशलिटी कि ये सेकेंड इनिंग्स में अच्छे रन्स करता है, यानी अगर ये चेज़ कर रहा होता है ना तो ये थोड़े सही रन्स कर लेता है। अगर आपको पाकिस्तान वाला मैच याद हो, कनाडा वाला मैच याद हो, चेज़ करते उसने रन्स बनाए तो चेज़ पे रन्स मारता है, याद रखना, ठीक है। एंड्रियास गाउस के बाद नीतीश कुमार आएगा। नीतीश कुमार मैंने बताया स्मॉल लीग के अंदर तभी ट्राई करना जब आपको लगता है कि यार मेरे पास है इतना पैसा कि मैं लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, और इसे तभी ट्राई करना स्मॉल लीग में अगर ये टॉप ऑर्डर में खेल रहा है। टॉप ऑर्डर में कब खेलेगा, जब मोनांक पटेल अवेलेबल नहीं है तो ओपनिंग टेलर और एंड्रियास गाउस करेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार आएगा, ठीक है। तभी ट्राई करना, वरना मत करना। नीतीश कुमार स्पिन को भी ठीक खेलता है, तो अगर ये सर्वाइव कर गया तो यार ये टुक टुक करके क्लासिकल शॉट्स मार के, प्रॉपर टाइमिंग वाले शॉट मार के हमको अच्छे पॉइंट दे देगा, ठीक है, अगर ये चला तो। और अगर नहीं चला तो यार नहीं चला। तो देखो नीतीश कुमार के बाद एरन जॉन्स है, और यार एरन जॉन्स स्टार्टिंग के दो गेम्स तो बहुत चला यार, पाकिस्तान पे इसने रन्स मारे, कनाडा के एरन जॉन्स ने रन्स मारे। पर एक देखो एरन जॉन्स सेकंड इनिंग्स में रन बनाता है, ठीक है। जैसे एंड्रियास गाउस सेकंड इनिंग्स में अच्छा चलता है, फर्स्ट इनिंग्स में भी रन करता है पर सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा अच्छा चलता है। एरन जॉन्स सेकंड इनिंग्स में रन बनाता है, ठीक है, ज़्यादा। इसको पता नहीं चेज़ करना अच्छा लगता है, काफ़ी वीडियोस देखता है लगता है विराट कोहली की, तो इसको चेज़ करना अच्छा लगता है। पर सामने मार्क वुड, आदिल राशिद, सैम करन, मोइन अली को भी मैं इतना रेट नहीं करूँगा, ट्री स्टोपली, जोफ्रा आर्चर, इसके सामने भाई ये बॉलर्स होने वाले। अगर इसकी बैटिंग पावर प्ले के आसपास आ गई तो पावर प्ले के आसपास इसको मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर मिल जाएंगे, और उस पेस पे अभी तक मैंने देखा नहीं है कि उस पेस पे इसने कोई अच्छी बैटिंग करी हो, ठीक है। इसके शॉट काफ़ी मिस टाइम हुए थे इंडिया के खिलाफ भी, एक छक्का इसने सिराज को मारा था 140 की बॉल पर वो मिस टाइम शॉट था, ठीक है। तो मेरे को देखना यार कैसा खेलता है। मैं इसको अपनी अभी स्मॉल लीग टीम में तो अभी मैं कन्फर्म नहीं है कि मैं इसको लूँगा कि नहीं लूँगा, पर अगर बैटिंग ट्रैक होता है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, चेज़ करते हो, ठीक है। एरन जॉन्स को, ये लपेबाज नहीं है एरन जॉन्स, ये हार्ड हिटर, इसको मारना अच्छा लगता है, ठीक है, पर ये चेज़ करते हो ज़्यादा अच्छे रन्स करता है। अभी 140 की बॉल पे इसके शॉट्स मिस टाइम हो रहे हैं, तो सामने यार इंग्लैंड के सैम करन, स्पेशली जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, ओ माय गॉड मार्क वुड डालेगा भाई बॉल इनको, सोचो यूएसए वालों ने एक साल पहले सोचा भी नहीं होगा कि मार्क वुड उनको बॉलिंग कराएगा। देखना पड़ेगा यार मैच कैसा होता है, पर यूएसए अच्छी टीम यार फाइट देती है, याद रखना। तो यूएसए की ने अगर रन्स कर दिए तो एक बढ़िया मैच बन सकता है, ठीक है। तो यार अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो मेरे साथ तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है उससे जुड़ जा, और नीचे देखो एक ऐप है, अगर आप 7+4 खेलते हो ना और अगर आपको 5+1 भी खेलना अच्छा लगता है, आपको चाहिए कि मेरे को कोई ऐसा ऐप मिले जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें अवेलेबल मिले, यानी मुझे अलग अलग ऐप अपने फ़ोन से निकाल के बार बार टीम बनाओ, ये करो, फिर इस टीम को बदलो, फिर दूसरे ऐप की टीम को बदलो, ये झंझट अच्छा नहीं करना, ठीक है, ये झंझट से बचना है। तो नीचे मैंने फोकस 11 का लिंक दिया है, उसके अंदर अगर आप उस लिंक से डाउनलोड करोगे ना आपको 500 रुपये तक का बोनस मिल जाएगा, और वहाँ पे आप 5+1 भी खेल सकते हो जो वो यूनिक ऑप्शन है उसका, और वहाँ पे आपको 10+1 और 7+4 दोनों अवेलेबल मिलेगा। तो अब हम चलते हैं यार हमारी कोरी एंडरसन पर चलते हैं। कोरी एंडरसन के यार रन्स आए नहीं है और ये आखिरी मैच है, तो मैंने पता है काफ़ी बार बोला है जब भी कोई बड़ा प्लेयर होता है ना स्पेशली कोरी एंडरसन टाइप का, तो अगर उसके रन्स नहीं आ रहे होते मैचों के अंदर तो आखिरी मैच में कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी बड़े प्लेयर करके चले जाते हैं, और सामने इंग्लैंड होगी,
कोरी एंडरसन को 140 की बॉलों से मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत होगी, इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा है, न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड कप खेल चुका है, तो 140 150 तो उसको खेलनी आनी चाहिए, ठीक है, बड़े आराम से खेल लेगा। मिस टाइम शॉट हो गया, आउट हो गया तो अलग बात है, बॉलिंग से भी वो बैकअप देगा। तो कोरी एंडरसन हमें अपनी टीम में रखना है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपके ओपोनेंट्स कोरी एंडरसन को ड्रॉप करके आएंगे, याद रखना, ठीक है। तो हमारे लिए कोरी एंडरसन ही हमारा ट्रंप हो सकता है, सोचो क्या बोल रहा हूँ मैं। जिस कोरी एंडरसन को लोग 2015-16 में मरते थे अपनी टीम में लेने के लिए, आईपीएल में मुंबई इंडियंस से इसने कितने मैचेस जिताए हैं, वो कोरी एंडरसन आज ट्रंप बनने वाला है हमारी फैंटेसी लीग में, ठीक है। तो याद रखना कोरी एंडरसन अपनी टीम में पक्का रखना। कोरी एंडरसन देखो लेग स्पिनर्स होते हैं ना, उस पर फंस जाता है, तो आदिल राशिद को ये मार भी सकता है और आदिल राशिद इसे फंसा भी सकता है, पर आपके ओपोनेंट्स यार कोरी एंडरसन तो पक्का लेके आने वाले हैं। जो भी अगर आप चार मेंबर वाली खेल रहे हो ना, तो दो प्लेयर तो आपके कोरी एंडरसन लेके आएंगे, तो इसलिए कोरी एंडरसन मैं मेरी टीम में तो पक्का लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोरी एंडरसन 50 मार दे मेरी टीम उसके 50 के कारण हार जाए। तो कोरी एंडरसन मेरी टीम में रहेगा, प्लस ये बॉलिंग भी करवा रहा है, कभी कभी डेथ में भी बॉलिंग करवाने लग जाता आकर, तो इसलिए मैं इसको अपनी टीम में लूंगा। अब देखो कोरी एंडरसन के बाद पता है हरमीत सिंह बैटिंग करने आएगा, तो याद रखना हरमीत सिंह शेडली वेंस कालवे की बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं। हरमीत सिंह लेफ्ट आर्म स्पिनर है, देखा था ना आपने कैसे उसने विकेट निकाल दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो अगर ये विकेट स्पिन वाली होगी ना, तो हरमीत सिंह एक इंपॉर्टेंट पिक होगा। मैंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हरमीत सिंह को ड्रॉप करा था, वो एक स्ट्रेटेजी के लिए मूव था, ठीक है, मेरा स्ट्रेटेजिक मूव। उसमें पता है क्या था, वेस्ट इंडीज़ वाले लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को इतने विकेट देते नहीं है, प्लस वो वाली पिच बैटिंग वाली थी, तो वहाँ पर मुझे इसका रोल दिख नहीं रहा था, तो मैंने इसको नहीं लिया। पर यहाँ पे अगर ये पिच थोड़ी सी भी स्पिन वाली होगी ना, तो हरमीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और इंग्लैंड की जो कमज़ोरी है ना बैटिंग में, वो लेफ्ट आर्म स्पिन है। अगर बॉल स्पिन कर रही है तो याद रखना, अगर बॉल विकेट पे आ रही है फ्लैट विकेट है, बॉल स्पिन नहीं कर रही है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। पर अगर बॉल स्पिन करने लग जाएगी ना, तो हरमीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हरमीत सिंह देखो शेडली वेंस कालवे की मैं अपनी टीम में लेता नहीं हूँ, देखो इसका रीज़न क्या है, जब भी कोई बड़ी टीम के साथ मैच होता है ना यूएसए का, तो मैं उसे ड्रॉप कर देता हूँ। इसका सिंपल रीज़न देखो क्या है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं यार इसका रीज़न, देखो ये है कि शेडली वेंस कालवे की जो स्पीड होती है ना बॉलिंग की, वो 120 से लेके 130 के बीच में होती है, और जो भी बड़ी टीम होती है ना, वो 140 की बॉलिंग उनको खेलने की आदत होती है, तो यार इसकी बॉलिंग को बड़े आराम से खेल लेते हैं, लाइक बटलर सॉल्ट ये सब बड़े आराम से खेल लेंगे, मोइन अली, यानी इंग्लैंड में ऐसा कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो इसकी बॉलों पर फंस रहा हो। पर अगर स्लो विकेट होती है, तो यही शेडली वेंस कालवे पता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, स्लो विकेट होगी, एक तो 130 120 की बॉल मारेगा, प्लस विकेट में वो बॉल थोड़ी सी रुकेगी, होल्ड करके आएगी, तो जो भी बैटर्स होंगे ना इंग्लैंड वाले, आपको पता है छक्के मारने जाते हैं, उनको चौके मारने तो आते नहीं है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर स्लो विकेट पे इसकी बॉल रुक के आएगी। एक तो साउथ अफ्रीकन है, इसकी बॉल जो इसका एक्शन है ना, उस एक्शन से देख कैसे, और ये स्लोअर बॉल से ही मारता है याद रखना, तो स्लोअर विकेट पे इंपॉर्टेंट होगा। पर बैटिंग ट्रैक हुआ, थोड़ा सा भी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन हुई, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको रीज़न समझा दिया, इसका पेस कम है, ठीक है, बॉलिंग का, और बैटिंग इसकी बहुत नीचे आएगी। बैटिंग ये कर लेता है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ याद है ना कैसे रन्स कर रहा था, तो बैटिंग ये कर लेता है, पर इसके सामने बॉलर देखो कौन होगा, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, रई स्टोपली, ये सारे बॉलर्स होंगे इसके सामने। तो अगर आपको लगता है कि ये इनको मार लेगा, तो आप इसको टीम में लो यार, अगर आपको ऐसा फील आ रही है। पर मैंने अभी तक ऐसा इसको कभी देखा नहीं है कि ये ऐसे किसी को मार रहा है। बांग्लादेश की जब सीरीज हुई थी ना यूएसए बांग्लादेश की, वहाँ पे भी इसने शौरिफ उल तस्किन को इसको मार नहीं पाया था। तो अभी तक जो भी हुआ है ना, उस बेस के ऊपर मैं इसे अपनी टीम में नहीं ले रहा। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार आज उसका ये दिन है, वो मार के जाएगा, बैटिंग से चल जाएगा, बॉलिंग से चल जाएगा, बॉलिंग से स्लो विकेट के ऊपर ये चल सकता है, पर बैटिंग ट्रैक हुआ तो ये चलेगा नहीं। इसकी खुद की बैटिंग आएगी, तो चाहे स्लो विकेट हो चाहे फास्ट विकेट हो, मेरे को अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं कि अभी ये चलाओ, ठीक है, ऐसे कंडीशंस में कि सामने इतने तगड़े तगड़े बॉलर्स हैं, इसने रन मारे हो, मैंने अभी तक देखा नहीं। तो मैं स्मॉल लीग में तो आपको रिकमेंड करूंगा नहीं, ना मैं खुद ले रहा हूं। तो देखो शेडली वेंस हरमीत सिंह के पास वो टैलेंट है कि वो अच्छी स्पीड को और अच्छे स्पिनर्स को मार सकता है। अगर आपको शमसी याद हो ना, नौरकिया, इन सबको हरमीत सिंह मार रहा था, तो याद रखना हरमीत सिंह के पास पावर भी है, प्लस वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी है। इंग्लैंड की कमजोरी है अगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बॉल स्पिन हो रही होगी, तो हरमीत सिंह देखो बैटिंग में दोनों में काम आएगा, चाहे बैटिंग ट्रैक हो चाहे बॉलिंग ट्रैक हो, ये दोनों में काम आएगा। सामने ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो इसको ट्रबल दे सके। हाँ, रनों का प्रेशर आ गया तो आउट हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि ये खेला ही ना हो कभी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ याद है ना क्या कर रहा था ये,
पर अगर बॉलिंग ट्रैक होना हल्का सा भी तो बॉलिंग से भी कमाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे बॉल स्पिन करेगी जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रूक, फिर मैं बटलर को भी काउंट करूंगा, ये सब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे फंसते हैं अगर बॉल स्पिन हो रही है, ठीक है, याद रखना। देखो हरमीत सिंह के बाद एक प्लेयर है नौतुआश केंजिगे, और मैंने काफ़ी बार बोला कि यूएसए में निसर्ग पटेल, हरमीत सिंह और नौतुआश केंजिगे, इन तीनों में मुझे रेट करना होगा ना सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, तो मैं नौतुआश केंजिगे को रेट करूंगा, उसकी बॉल काफ़ी सही पड़ती है, अगर बॉल में हल्का सा भी स्पिन मिला ना तो भाई ये नौतुआश केंजिगे मतलब इंग्लैंड के 2-3 विकेट ले जाएगा, मेरे को इतना भरोसा है नौतुआश केंजिगे पे। केशव महाराज याद है ना कैसे डेडली कितने विकेट लेके गया था इंग्लैंड के खिलाफ, तो अगर स्लो विकेट हुई और स्पिन मिल रहा है विकेट पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, मैं आपको रियल अपडेट दे दूंगा कि विकेट कैसी है, किस प्लेयर को लेना है और किसको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो आई होप यार आपको यूएसए से जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं मैंने उन सब के बारे में आपको बताया होगा, शेडली वेंस काल्वेक, हरमीत सिंह, नौतुआश केंजिगे, इनको कब लेना है मैंने आपको इसके बारे में बताया, यूएसए में बैटिंग से कौन है जो 140 की बॉल खेल सकता है मैंने आपको बताया, मोनांग पटेल कैसा प्लेयर है, फिर निसर्ग पटेल ये सब कौन है मैंने आपको इनके बारे में बताया। तो आई होप यार जब आप टीम बना रहे होगे तो आपको हेल्प करेगा एनालिसिस। तो अब हम चलते हैं, देखो अब इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, देखो मार्क वुड मस्ट पिक होना चाहिए, मार्क वुड ड्रॉप नहीं करना, जोफ्रा आर्चर मस्ट पिक होना चाहिए इस मैच के अंदर, आदिल राशिद आपका बहुत अच्छा वीसी हो सकता है पता है इस मैच में। अब इसका रीज़न देखो क्या है, बांग्लादेश और यूएसए की सीरीज हुई थी उसके अंदर एक रिशाद हुसैन नाम का बॉलर है बांग्लादेश में, उसने काफ़ी विकेट निकाले थे और मेडन ओवर भी डाले थे यूएसए के खिलाफ, तो आदिल राशिद कैसा बॉलर है वो हम सबको पता है, कितना ज़बरदस्त प्लेयर है आदिल राशिद, लेग स्पिन कितनी सही करता है, फ्लाइट देता है, बैट्समैन को ललचाता है, तो आदिल राशिद अपनी टीम में पक्का लेके चलना, मोइन अली अपनी टीम में पक्का लेके चलना, जिसने रोस्टन चेस ड्रॉप करा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। यूएसए के अंदर 3-3 लेफ्ट हैंडर है, कौन कौन है वो, स्टीवन टेलर ऊपर आता है, उसके बाद शेडली वेंस काल्विक नीचे आएगा, हरमीत सिंह नीचे आएगा, कोरी एंडरसन नीचे आएगा, तो 4-4 लेफ्ट हैंडर हैं यूएसए में, और तीन तो एक साथ आते हैं, कोरी एंडरसन, काल्विक और ये हरमीत सिंह, ये तीन तो यही मान लो कि एक के बाद एक इनकी बैटिंग आती है, तो वहाँ पर मोइन अली काम आ सकता है, ठीक है, फिर चाहे फ्लैट कंडीशन हो चाहे फिर स्पिन वाली विकेट हो, मोइन अली को छोड़ना नहीं है, ठीक है, मोइन अली तो अपनी टीम में लेके जाना है, उसका रोल है। फिर सैम करन आपका एक ट्रंपिक हो सकता है स्मॉल लीग के अंदर, अगर इंग्लैंड कर रही है बॉलिंग फर्स्ट, तो आप 4 बॉलर ले सकते हो इंग्लैंड से और 4 उनके बैट्समैन ले सकते हो और यूएसए से 3 ही ले सकते हो, तो इंग्लैंड के बॉलर्स में से तो देखो सैम करन ट्रंपिक, मोइन अली मस्ट पिक, आदिल राशिद मस्ट पिक, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर भी मस्ट पिक, लिविंगस्टोन मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे बॉलर हो चुके हैं ना, और जब जब इंग्लैंड ने छोटी छोटी टीमों से टकराई है ना लाइक नामीबिया, ओमान, तो यार लिविंगस्टोन ने बॉलिंग नहीं कराई, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर है ना ये मोइन अली, सैम करन, आर्चर, वुड, आदिल राशिद, इन्होंने कराई ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग छोटी टीम के लिए, तो अगर इंग्लैंड बॉलिंग करी या बैटिंग करी है ना तो हाई चांसेस है यही बॉलर फिर से रिपीट होंगे, लिविंगस्टोन की बॉलिंग से तो कोई रोल होगा नहीं, तो मैं लिविंगस्टोन को बॉलिंग से तो कंसिडर कर नहीं रहा, तो इंग्लैंड के हमको सारे बॉलर्स अपनी टीम में रखने हैं, कुछ नहीं पता किसका क्या दिन हो, ठीक है, याद रखना। तो इंग्लैंड की तरफ से सब इंपॉर्टेंट है, और मार्क वुड स्पेशल प्लेयर है, जीएल कैप्टन कर सकते हो मार्क वुड को, आदिल राशिद को जीएल का वाइस कैप्टन कर सकते हो, जोफ्रा आर्चर को भी जीएल में वाइस कैप्टन या कैप्टन दोनों कर सकते हो, इंग्लैंड के पेसर जो भी 140 150 वाले हैं ना उन सबको आप कैप्टन कर सकते हो, कौन कौन है, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, याद रखना, ठीक है। यूएसए से कौन कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, एंडियस गाउस, कोरी एंडरसन, हरमीत सिंह कंडीशन के बेस पे, नौतुआश केंजिगे, देखो आपको मैंने यूएसए के बैट्समैन वर्सेस इंग्लैंड के बॉलर के बारे में बताया, अब हम चलते हैं इंग्लैंड के बैट्समैन वर्सेस यूएसए के बॉलर में, ठीक है, और मैं आपको एक बात स्पेशल मेंशन करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, इंग्लैंड वाले लेफ्ट आर्म पेसर को बहुत मारते हैं, याद रखना, मार्को एंसन भी आई थिंक विकेटलेस गया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, ठीक है, स्टार को भी बहुत मारते हैं, बोल्ट अच्छा करता है, और कौन कौन है लेफ्ट आर्म पेसर बताओ जो आपको याद आ रहा है, याद रखना इंग्लैंड वाले लेफ्ट आर्म पेसर को स्पेशली जो ऑफ स्टंप की लाइन पे बॉल डाल रहा है ना उसको बहुत मारते हैं, नेत्रावालकर को इसलिए मैं मेरी टीम में नहीं लूँगा, अगर नेत्रावालकर बॉलिंग सेकंड कर रहा है मैं मेरी टीम में नहीं ले रहा हूँ, नेत्रावालकर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है मैं ट्राई कर सकता हूँ नेत्रावालकर को, पर बॉलिंग सेकंड में मैं नहीं लेने वाला नेत्रावालकर को, कोई बैट्समैन इंग्लैंड का ऐसा नहीं है जो लेफ्ट आर्म पेसर पे फंसता हो, स्पेशली जो सॉल्ट है ना सॉल्ट लेफ्ट आर्म पेसर को बहुत मारता है, अगर आपको स्टार क्या दो मार्को यानसेन, फिर टोपली जब ये अपना डोमेस्टिक खेलता है ना तो ड्रीस टोपली और ये सॉल्ट भिड़ते रहते हैं तो वहाँ पे भी रन्स करते हैं, तो ठीक है याद रखना ये सब। अब मैं यार एक चीज़ बता देता हूँ, यूएसए से एक नेत्रावालकर अच्छा बॉलर है,
अली खान अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो इम्पोर्टेंट है, बॉलिंग सेकंड में मैं अली खान को नहीं लेने वाला। बॉलिंग फर्स्ट में मैं क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक दो ओवर वो डेथ में डालता है, बस इसलिए इम्पोर्टेंट है। हरमीत सिंह और नोतुआश केंजी के तभी इम्पोर्टेंट है अगर बॉल स्पिन है, विकेट के ऊपर अगर स्पिन होगा तभी ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है याद रखना, वरना इम्पोर्टेंट नहीं है। हरमीत सिंह तो फिर भी बैटिंग से बैकअप दे देगा, पर नोतुआश केंजी के फिर वेस्ट चला जाएगा आपका, ठीक है याद रखना। उसके बाद में कोरी एंडरसन अपनी टीम में पक्का लेके चलना, बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, कभी कभी तो डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग डालने आ जाता है। तो यूएसए की साइड से कौन कौन बॉलर इंपॉर्टेंट हो गए, नेत्रा वालकर बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, अली खान बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, हरमीत सिंह दोनों कंडीशंस में, नोतुआश केंजी के अगर विकेट पे स्पिन हो रहा होगा, याद रखना हरमीत सिंह और नोतुआश केंजी के तभी इंपॉर्टेंट है अगर विकेट पे स्पिन हो रहा होगा, तभी इंपॉर्टेंट है वरना किसी काम के नहीं, ठीक है। बॉलिंग से हरमीत सिंह बैटिंग से मे भी रन करके चला जाए, क्या पता ड्रीम टीम इसी बेस पे आ जाए बैटिंग से, पर बॉलिंग से फिर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तभी इंपॉर्टेंट है जब विकेट पे स्पिन हो रहा होगा। तो यूएसए के मैंने आपको बॉलर बता दिया, कोरी एंडरसन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी कराने आ जाता है। तो कोरी एंडरसन आपने जिस दिन छोड़ा, ये क्या पता आपकी टीम को पीछे छोड़ दे, तो अपनी टीम में कोरी एंडरसन लेके चलना। अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लैंड के बैट्समैन, देखो बटलर लेके जाना है, सॉल्ट लेके जाना है, बेस्टो लेके जाना है, ये तीन हमें लेके जाना है, प्लस मोइन अली लेके जाना है। अब मोइन अली को क्यों लेना है, क्योंकि सामने दो दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स होंगे, तो क्या पता मोइन अली या फिर सैम करन इन दोनों में से किसी को प्रमोट कर दें ताकि उनको टैकल कर सकें, तो इसलिए मोइन अली इंपॉर्टेंट है। सैम करन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। मोइन अली सामने चार चार लेफ्ट हैंडर हैं, तो वहाँ पर बॉलिंग भी कराएगा और क्या पता प्रमोट कर दे तो इसकी बैटिंग भी आ सकती है। तो मैं चार लेके जाऊँगा बैट्समैन, बटलर सॉल्ट बेस्ट्रो मोइन अली, ये चार इंग्लैंड के बैट्समैन। लिविंगस्टोन और ब्रूक को मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत नीचे आने वाली है और लिविंगस्टोन बॉलिंग कराएगा नहीं कराएगा इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ब्रूक मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मान लो इंग्लैंड को स्कोर ही थोड़ा छोटा मिला तो इंग्लैंड के अगर ओपनर ने स्टार्ट दे दी तो यार ब्रूक की तो बैटिंग ही नहीं आएगी ना, तो उसको लेके करना क्या। तो यूएसए के बॉलिंग में कौन कौन इंपॉर्टेंट होगा, नेत्रा वालकर बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, अली खान बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, हरमीत सिंह और नोतुआश केंजी के अगर विकेट पे स्पिन है तो, कोरी एंडरसन दोनों केस के अंदर। तो चलिए यार मैं आपको एक बेस्ट टीम बना के दिखाता हूँ इंग्लैंड की तरफ से। जैसा मैंने बोला इंग्लैंड के जो भी टॉप तीन बैट्समैन होंगे बटलर बेस्ट्रो और सॉल्ट, ये मैं अपनी टीम में रखूंगा। इंग्लैंड के जो भी बॉलर होंगे लिविंगस्टोन को छोड़ के वो सब मेरी टीम में होंगे। यूएसए की साइड से एक एंडियास गाउस होगा और एक होगा कोरी एंडरसन। अब मैंने यार आपको बता दिया है कि यूएसए में के कौन से प्लेयर्स कैसे हैं, यूएसए में से कौन से बॉलर इंपॉर्टेंट है, किसको कब लेना है, इंग्लैंड में कौन से बॉलर इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आई होप आपने अभी तक देखा होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सीवीसी ऑप्शन इसके अंदर मैच के अंदर सबसे बढ़िया कौन से है। देखो अगर इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है ना तो मार्क वुड टॉप कैप्टेंसी ऑप्शन होगा, क्योंकि यूएसए वाले पहली बार इतनी पेस को खेलेंगे। अल्जारी जोसफ को भी इसने विकेट दिया था, प्लस मार्क वुड अपने दो ओवर डेथ में भी डाल रहा है, तो मार्कवुड को विकेट्स मिलने के हाई चांसेस होंगे। जोफ्रा आर्चर भी बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन होगा, आदिल राशिद भी अच्छा वीसी का ऑप्शन होगा, पर जोफ्रा आर्चर और मार्कवुड ये हो गए बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन इंग्लैंड अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है। इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट कर रहा है तो बटलर बहुत अच्छा ऑप्शन है, सॉल्ट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि सॉल्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बहुत अच्छा खेलता है, बेस्ट्रो भी बहुत अच्छा ऑप्शन अगर आपको लग रहा है कि एक विकेट जल्दी चला जाएगा इंग्लैंड का, जल्दी का मतलब कि 20-30 रन के बाद इसकी बैटिंग आ जाएगी बेस्ट्रो की, तो वहाँ पे बेस्ट्रो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इसकी तरफ से इंग्लैंड की साइड से, क्योंकि ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ठीक खेलता है। पर याद रखना अगर विकेट स्लो वाली होगी ना तो जो भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होंगे ना उनको अच्छी विकेट मिलेगी खेलने के लिए, फिर जैसे जैसे मैच आगे चलेगा तो विकेट टूटने लग जाएगी तो वहाँ पे बॉल स्पिन होना चालू हो जाएगा। अगर आपने साउथ अफ्रीका वाला गेम देखा था ना, बटलर सॉल्ट बेस्ट इन्होंने अच्छी स्टार्ट दी थी पावर प्ले के अंदर, पर बाद में क्या हुआ था जैसे ही विकेट टूटने लगा केशव महाराज गेम के अंदर आया। तो ये भी हो सकता है इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो ये नोतुआश केंजी के हरमीत सिंह ये पावर प्ले के बाद गेम के अंदर आए, तो स्लो विकेट पे ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे केंजी के और हरमीत सिंह। पर अगर विकेट फ्लैट होती है मजे ही मजे हैं बैट्समैन के लिए तो भाई बैट्समैन लेके जाओ इंग्लैंड के, कैप्टन करो बटलर को, वीसी करो आदिल राशिद को, फिर किस्मत का खेल हो जाएगा ठीक है। इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट करिए ना तो मेरे पास एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, मार्कवुड कैप्टन वीसी जोफ्रा आर्चर। पर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करिए ना तो अब देखो आपके ओपोनेंट सीवीसी कर सकते हैं बटलर और सॉल्ट दोनों को, आपके ओपोनेंट किसी को कोई कोई कर देगा मोइन अली को,
कोई कोई फिर से कर देगा मार्क वुड को, तो वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ना। पर अगर इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट करिए तो मेरे फिक्स रहने वाला है, इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करिए तो मैं थोड़े से चेंजेस कर दूंगा। तो चलिए यार हम जीएल की बात करते हैं। आप में से बहुत लोग हो रहे होंगे जीएल के बारे में, तो कुछ बताओ यार। तो देखो जीएल में पता है मार्क वुड को लोग बहुत कम ले रहे हैं, कैप्टनसी ऑप्शन मार्क वुड का बहुत कम है, सैम करन का भी सीवीसी ऑप्शन बहुत कम है। तो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो मार्क वुड का और सैम करन का, कैप्टन मार्क वुड कर सकते हो, वीसी सैम करन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि इन दोनों को सबसे कम लोग सीवीसी कर रहे हैं, बस इसीलिए। आप जोफ्रा आर्चर भी कर सकते हो, इंग्लैंड का कोई भी बॉलर कर सकते हो, क्योंकि ठीक है सिंपल सी बात है। पर अगर आपको कुछ अलग करना है ना कि लोग जिसके ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं, वो मैं सब आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, ताकि आप अगर रिस्क ले रहे हो तो सबसे पहले उन पे ही लो। और कैप्टन आप सैम करन को भी कर सकते हो। देखो इसका रीज़न क्या है, मान लो उसने दो विकेट लिए और ऊपर से इंग्लैंड के एक दो विकेट मान लो गिर जाते हैं, तो क्या पता मोइन अली से पहले उनको लेफ्ट हैंडर के तौर पे सैम करन को प्रमोट कर दें और सैम करन वहाँ पे 20-30 रन मार दे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मोइन अली भी अच्छा कैप्टनसी ऑप्शन है, जैसे कि रोस्टन चेज ने देखो 3 विकेट लिए थे, क्या पता मोइन अली भी ऐसा कुछ कर दे यूएसए के खिलाफ। तो सीवीसी इंग्लैंड में बहुत सारे हैं, आप बहुत कॉम्बिनेशन बना सकते हो। पर मार्क वुड को मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो विकेट उसने निकाले नहीं है और आज इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, तो मार्क वुड इंपॉर्टेंट गेम्स में पता परफॉर्म करता है। और सामने ऐसी कोई बड़ी ओपोनेंट भी नहीं है जो मार्क वुड की पेस को खेल लेगी या रोज खेलती होगी ऐसे पेस को, तो इसलिए मार्क वुड को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। पिच का ध्यान रखना, पिच कैसी होगी, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि पिच कैसी है, किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को छोड़ना है। वहाँ पे मैं आपको अपनी बेस, जिसे बोलते हैं ना जीएल की बेस टीम भी दे दूंगा, जो भी अच्छी कंडीशंस होगी ना। इंडिया और बांग्लादेश वाले मैच के अंदर मैंने एक बेस टीम दी थी जिसके अंदर मैंने कुलदीप यादव को कैप्टन करा था, तो वो 3 विकेट लेके गया था। तो ऐसी यार मैं हर बार अच्छे मैच की बेस टीम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको मैंने सीवीसी पिक्स बता दिए, यूएसए और इंग्लैंड के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से हैं, बॉलर बॉलिंग सेक्शंस में से किसको लेना है, यूएसए अगर बॉलिंग करा रही है तो किसको लेना है, किसको छोड़ना है, स्पिन विकेट में यूएसए की तरफ से किसको लेना है, तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। तो यार आई होप आपका मैच अच्छा जाए और ये एनालिसिस आपकी हेल्प करे। ठीक है, आपको बाय बाय।